Hi. So the next problem that we are discussing is a very interesting problem, and also it is one of the most commonly asked interview question. Okay. So the problem is that we are given a linked list and we have to detect whether there is a loop in it. Okay. कि उसमें कोई loop है कि नहीं, and also we have to remove that loop. Right. As you can see in this linked list, there is a loop. Right. तो अगर मैं head से start करके print करना start कर दूंगा तो क्या होगा? 1, 2, 3 ऐसे करके पहले 9 तक तो print हो जाएगा. Right. फिर उसके बाद फिर से 4 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 9 तक जाएगा, फिर से 4 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 9 तक जाएगा, एंड सो ऑन. राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 4 से 9 तक, फिर से 4 से 9 तक, ये चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं. बेसिकली इनफाइनाइटली प्रिंट होते जाएगा, होते जाएगा. ठीक है, तो हमको यहाँ पे करना क्या है कि पहले डिटेक्ट करना है कि इसमें लूप है, और फिर हमको यहाँ से रिमूव कर देना है. तो बेसिकली इट शुड ओनली प्रिंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, 9 के नेक्स्ट में हमको नल डाल देना है. बट हम लोग 9 पे पहुंचे कैसे? तो हमको कैसे पता चलेगा कि 9 के बाद लूप शुरू हो रहा है? राइट, तो ये चीज हमको डिटेक्ट करनी है. सो सबसे पहले देखते हैं कि ये पता कैसे लगाएं कि इसमें लूप है. राइट, सो द वे इज हम लोग एक स्लो पॉइंटर रखेंगे और हम लोग एक फास्ट पॉइंटर रखेंगे. ठीक है, लेट्स से उसको भी हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. स्लो और फास्ट स्टार्ट कर लेते हैं. स्लो ऑब्वियसली एक आगे बढ़ेगा, फास्ट दो आगे बढ़ेगा. राइट, फिर स्लो यहां आ जाएगा, फास्ट यहां आ जाएगा, स्लो यहां आ जाएगा, फास्ट यहां आ जाएगा. इस तरह से चलता जाएगा पूरा. ठीक है, स्लो को एक आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को दो आगे बढ़ाएंगे. अगर किसी पॉइंट पे स्लो और फास्ट मिल गए, ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे स्लो और फास्ट मिल गए तो हमको क्या रिटर्न करना है कि इसमें लूप है. अगर स्लो और फास्ट मिलने से पहले हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई तो हम बोलेंगे इसमें लूप नहीं है. ठीक है, बट ये कैसे गारंटी हो रही है कि स्लो और फास्ट हमेशा मिलेंगे कभी ना कभी? जस्ट इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि दो लोग सर्कल में भाग रहे हैं. ठीक है, दो लोग सर्कल में भाग रहे हैं. लेट्स से एक यहाँ से स्टार्ट करता है और दूसरा कहीं से भी स्टार्ट कर देता है. लेट्स से इसकी स्पीड 2x है, ये डबल स्पीड पे भागता है, ये x पे भागता है. ठीक है, तो लेट्स से उसकी 20 स्पीड है, इसकी 10 स्पीड है. तो अगर दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये 10 किलोमीटर पर आर पे जा रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आर पे जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है कि ये 20 किलोमीटर वाला 10 किलोमीटर वाले को कभी ना कभी तो ओवरटेक करेगा ही करेगा. राइट, कभी तो ओवरटेक करेगा ही करेगा. सो दिस इज श्योर. सो इस तरीके से हम गारंटी से बोल सकते हैं कि हमारा स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर कभी ना कभी तो मिलेंगे. राइट, ओके. सो हमारा फर्स्ट पार्ट तो इतने से हो जाएगा कि हमारा स्लो और फास्ट कहीं ना कहीं मिल जाने वाले हैं. तो एक बार आगे बढ़ते जाते हैं और चेक करते हैं कहाँ पे मिलते हैं. राइट, सो अभी करंट सिचुएशन क्या थी? हमारा स्लो यहाँ पे था और फास्ट यहाँ पे था. राइट, ओके. सो बाकी सारे हटा देते हैं. देन आफ्टर दिस हमारा स्लो यहाँ आ जाएगा एंड फास्ट यहाँ आ जाएगा 9 पे. राइट, ओके. देन इन द नेक्स्ट स्टेप स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा. राइट, 9 के बाद 4 और फिर 4 के बाद 5. ठीक है, देन स्लो यहाँ पे आ जाएगा एंड फास्ट भी यहाँ पे आ जाएगा. तो बेसिकली ये दोनों 7 पे मिल रहे हैं. राइट, तो मतलब कहीं ना कहीं पे तो मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें लूप तो है. चलो ठीक है, अब इसको रिमूव कैसे करना है लूप को? तो रिमूव करने के लिए हमारा मेथड होता है कि हम लोग स्लो को यहाँ से ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंटर लेट्स से हेड पॉइंटर को यहाँ से स्टार्ट कर दिया. ठीक है, फास्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. अब हेड से एक एक आगे बढ़ते जाओ और स्लो से एक एक आगे बढ़ते जाओ. राइट, और जहाँ पे भी ये दोनों मिल जाए आके, वो तुम्हारा पॉइंट जंक्शन पॉइंट होगा. ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर कि हेड मेरा यहाँ पे है, स्लो मेरा यहाँ पे है, तो अगली आइट्रेशन में हेड यहाँ आ जाएगा, स्लो यहाँ आ जाएगा, फिर हेड यहाँ आ जाएगा, स्लो यहाँ आ जाएगा, एंड फिर हेड और स्लो दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे. राइट, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 4 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी माई जंक्शन पॉइंट. ठीक है, 4 मेरा जंक्शन पॉइंट होगा. वेरी इजीली मैं क्या करूँगा कि जो 9th है, मैं एक काम करूँगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले चेक करता रहूँगा ताकि मैं 9 पे रहूँ करंट पोजीशन. राइट, मैं क्या करूँगा, हेड डॉट नेक्स्ट,
इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट चेक कर लूंगा ताकि स्लो की मेरी करंट पोजिशन 9 ही रहे और फिर मैं 9 डॉट नेक्स्ट में नल डाल दूंगा। ये हम देख लेते हैं कैसे करना है, बट अभी के लिए सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, ये चीज़ की कैसे गारंटी है कि जो स्लो से मैं एक एक आगे बढ़ रहा हूँ, हेड से एक एक आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जंक्शन पे मिलूंगा। चलो इसको देखते हैं। लेट्स से कि ये वाली मेरी जो लेंथ है ये ए है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो मिले थे दैट इज 7, उसकी लेंथ बी है और 7 के बाद वाली लेंथ यहाँ पे सी है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अगर ए बी सी इनकी लेंथ्स हैं तो बेसिकली आई कैन से ए प्लस बी, राइट, सो ए प्लस बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्लो, राइट, ए प्लस बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्लो एंड फास्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी ए प्लस बी, राइट, प्लस सी प्लस बी, राइट, ये हमारा डिस्टेंस होगा जो कि फास्ट वाला ट्रेवल करेगा। उसने यही पाथ लिया ना, यहाँ से गया फिर बी पे आया फिर एक बार घूमने के बाद पूरा यहाँ पे पहुँच गया था फास्ट, राइट, सो दिस वॉज द पाथ फॉलोड बाय फास्ट। एंड स्लो का पाथ क्या था, स्लो का पाथ सिर्फ यहाँ तक था, राइट, सो आई कैन से ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लो इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फास्ट, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस सी, 2b कट जाएगा, a इज इक्वल टू सी हमारे पास रह जाएगा, राइट, सो a का डिस्टेंस है वो c के डिस्टेंस के बराबर है, तो एक एक करके वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो जंक्शन पॉइंट पे ही मिलने वाले हैं, राइट, चलो कोड करते हैं इसको। बूल डिटेक्ट एंड रिमूव लूप, तो मैं बूलियन टाइप का ले रहा हूँ, बेसिकली करेगा क्या ये फंक्शन, पहले डिटेक्ट कर लेगा, अगर मिल गया तो उसको रिमूव कर देगा और फिर हमको बूलियन रिटर्न कर देगा कि क्या उसको मिला था या नहीं मिला था, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, अगर लूप होगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ओके, सो ऑब्वियसली इनपुट जाएगी एक हेड, तो सबसे पहले एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों को हेड से शुरू कर लेते हैं, राइट, सो व्हाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट, तो यही कंडीशन लगाते हैं ना हम लोग जब फास्ट और स्लो लेते हैं कि या तो फास्ट हमारा एंड में पहुंच जाए या एंड की भी पार पहुंच जाए, दैट इज नल पे पहुंच जाए, तो रुक जाना है हमको, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में हमको स्लो को एक आगे बढ़ाना है और फास्ट को दो आगे बढ़ाना है। इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, अगर किसी भी पॉइंट पे स्लो और फास्ट मिल जाते हैं, राइट, तो सी आउट फाउंड लूप, तो प्रिंट करवा देते हैं कि यार लूप मिल चुका है हमको, और फिर हम लोग एक फंक्शन कॉल कर देते हैं रिमूव लूप नाम से, जो हम लिख देंगे अभी, जो कि हमारे लूप को रिमूव करेगा, हेड और स्लो, राइट, ये डिस्कस किया था हमने, स्लो को यूज कर लेंगे और हेड को यूज कर लेंगे, एक एक आगे मूव करेंगे और जहां पे मिलेगा वो जंक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट, और यहाँ पे मुझे रिटर्न ट्रू करना होगा कि यार हाँ हमको लूप मिला है, और अगर ये पूरा वाइल लूप चल जाता है, राइट, और हमको नहीं मिलता है लूप, तो इट विल बी रिटर्न फॉल्स, राइट, तो हमारा लास्ट काम दैट इज एक रिमूव लूप फंक्शन लिखना है, सो वॉइड रिमूव लूप, राइट, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं ले रहा हूँ बिकॉज बस इसको अपना काम करना है, दैट इज रिमूविंग द लूप, और कुछ नहीं करना है इसको। नोड इंट स्टार हेड, नोड इंट स्टार स्लो व्हाइल 1 = 1, ठीक है, व्हाइल 1 = 1, तो बेसिकली ये लूप हमारा चलता जाएगा जब तक कि स्लो और हेड एक जगह पे नहीं मिल जाते, राइट, बिकॉज ये चीज़ की गारंटी है कि लूप तो उसमें है ही है बिकॉज ये फंक्शन कॉल ही तब हो रहा है, तो व्हाइल 1 = 1 लिखना सेफ है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। इफ हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोनों के नेक्स्ट नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जब यहाँ पे पहुँच जाए, बेसिकली स्लो यहाँ पे हो और हेड यहाँ पे पहुँच जाए, तो यहाँ पे चेक हो कि क्या स्लो का नेक्स्ट दैट इज 4 और हेड का नेक्स्ट दैट इज 4 ये दोनों इक्वल है कि नहीं, राइट, इन दैट केस मेरा स्लो इस पोजीशन पे लाई कर रहा है,
अगर मैं स्लो इज इक्वल टू हेड चेक करूंगा हमेशा, तो ये दोनों कंडीशन तब ट्रू होगी जब स्लो भी यहां पहुंच चुका होगा और हेड भी यहां पहुंच चुका होगा, और मुझे 9 पे पहुंचना पड़ेगा बिकॉज 9 के नेक्स्ट में नल डालना है, तो मैं पीछे तो जा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मुझे फिर से घूम के आना पड़ेगा 9 पे पहुंचने के लिए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्लो को 9 पे रख रहा हूं, स्लो को 9 तक ही लेके जा रहा हूं, और मैं उसके नेक्स्ट चेक कर रहा हूं कि हेड का नेक्स्ट और स्लो का नेक्स्ट सेम है कि नहीं, ताकि मैं अभी करंट पोजिशन मेरी स्लो हो और मैं स्लो के नेक्स्ट में नल को डाल पाऊं, राइट। सो हेयर व्हाट आई कैन डू इज स्लो के नेक्स्ट में नल डाल दो, राइट, एंड ब्रेक भी कर दो यहाँ से, बिकॉज हमारा काम हो चुका है, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑब्वियसली हमको स्लो को एक आगे बढ़ा देना है और हेड को एक आगे बढ़ा देना है, जैसे हमने डिस्कस किया था, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट एंड स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, दैट्स इट, राइट। तो इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो अभी इसको चला के देख लेते हैं, बट अभी चला के कैसे देखें, जब हम लोग इनपुट फंक्शन अपना कॉल करते हैं वो तो एक लीनियर लिंक लिस्ट क्रिएट करते रहता है, उसमें लूप तो हमने डाला नहीं कि लूप कैसे डालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं एक लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए। सो आई विल जस्ट कमेंट दिस आउट एंड आई विल क्रिएट अ लिंक लिस्ट लाइक दिस, ठीक है, एक सिंपल सी एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, और इसके बाद इसको मैं इस पे पॉइंट करवा देता हूँ। तो बेसिकली 20, 30, 40 का लूप हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज इसके नेक्स्ट में हेड डॉट नेक्स्ट डाल देते हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, 40 का नेक्स्ट, उसमें हमने डाल दिया हेड डॉट नेक्स्ट, दैट इज 20 को डाल दिया, तो एक लूप क्रिएट हो गया। अब हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, डिटेक्ट एंड रिमूव लूप, राइट, जिसको हम लोग एक हेड पास कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं उसको, राइट, एंड सी आउट भी कर देते हैं बिकॉज ये एक बूलियन रिटर्न करेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो ट्रू आता है। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस। सो वन आ गया हमारे पास, राइट, उसने प्रिंट भी कर दिया फाउंड लूप, वन आ गया बिकॉज ट्रू रिटर्न किया उसने, 10, 20, 30, 40, बेसिकली वो 40 के बाद का वो था, 40 के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया होगा, वो हमारा पूरा प्रोसेस करके लूप रिमूव हो चुका है। तो अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ बिफोर डिटेक्ट एंड रिमूव लूप फंक्शन से पहले, तो क्या होगा कि वो 10, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, ये इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको खुद से कोड करके देख लो, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।